In a previous lecture, we have studied about the three sphere, that is a lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. Now, lithosphere ke jo solid mein se bana hai, that thing is known as a lithosphere. Jo liquid mein se bana hai, wo hai hydrosphere. Aur jo gaseous ka bana hai, usko hum bolte hai atmosphere. Aur ye tino cheez ka mixture hokar jo hamara living world bana hai, usko hum kya bolenge? बायोस्फीयर. सो इतना हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ डिटेल अबाउट द लिथोस्फीयर. सो इन द फर्स्ट पॉइंट इज रिटन दैट स्फीयर ऑन विच वी लिव, मतलब ये एक ऐसा स्फीयर है कि जिसके ऊपर हम रहते हैं. ओके, पानी के ऊपर रह सकते हो? नो. हवा में रह सकते हो? नो. तो एक लिथोस्फीयर एक ऐसी स्फीयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज लिथो मीन्स अ रॉक एंड द स्फीयर मीन्स अ लेयर. लिथो का मतलब क्या है यहाँ पे? रॉक मतलब पत्थर और स्फीयर का मतलब लेयर. दोनों वर्ड मिलाकर क्या होता है? अ लेयर ऑफ द रॉक. ओके, लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स अ लेयर. तो मतलब लिथोस्फीयर क्या है? तो पत्थर का लेयर है एक. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ लेयर ऑफ द रॉक. 29% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद अ लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर ने कितनी जगह पर है? तो हमारे अर्थ का जो 29% है वो किस में इंक्लूड है? लिथोस्फीयर में इंक्लूड है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे अर्थ पे 29% लैंड, माउंटेन, ये सारी चीजों को हमारे अर्थ पर 29% हिस्सा मिला है. सो द लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक. अब ये लेयर, जैसे कि हम लोगों ने उसका मीनिंग में ही पढ़ा कि किसकी लेयर है, तो रॉक की लेयर है. अब ये लेयर की थिकनेस कितनी है, मतलब वो कितनी मोटी है? तो अराउंड 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. मतलब आप लोग डिस्टेंस ये जितना ट्रेवल करते हो उसमें अगर आप अनुमान लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 64 किलोमीटर कितना होता है. तो हमारा लिथोस्फीयर कितना मोटा है? कितना? तो अप टू 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर. अब हर जगह 64 या 100 नहीं होता है. ओके, कहीं पे थोड़ा ज्यादा थिक है, कहीं पे थोड़ा कम थिक है, राइट? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर जगह पे थिकनेस सेम ही आएगी. जैसे कि अगर अहमदाबाद में 64 थिकनेस है लिथोस्फीयर की, तो जरूरी नहीं कि अदर सिटी में या अदर स्टेट्स में या अदर कंट्री में वो सेम ही होगा. नो, इट इज डिफरेंट एट द एवरीवेयर. तो मतलब हर जगह का उसका जो स्फीयर होता है वो हमेशा सेम हो, ऐसा होता नहीं है. इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द सब्सटेंस लाइक अ सॉइल एंड रॉक. अब ये जो लिथोस्फीयर है वो किसका बना है? तो ऑफकोर्स इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है. तो सॉइल एंड द रॉक मतलब मिट्टी और पत्थर, ये दो चीजों का क्या बना है? हमारा लिथोस्फीयर बना है. इसके अंदर पानी नहीं मिला हो गया, राइट? इट इज मेड अप ऑफ द सॉइल एंड द रॉक. लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड वैली आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर के ऊपर आपको क्या क्या देखने मिलेगा? तो और विच वी कैन इंक्लूड इन अ लिथोस्फीयर आर द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली. ये सारी चीजें हम लिथोस्फीयर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द सॉइल एज वेल एज ऑफ द रॉक. द माउंटेन रॉक इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ मैग्मा. व्हाट इज अ मैग्मा? तो हमारा जो अर्थ है ना, उसके सेंटर में एक मॉल्टन रॉक है, मतलब पूरा आग का गोला है, राइट? एंड दैट रॉक इज नोन एज अ मैग्मा. ओके, सॉरी, इट्स अ मैग्मा. तो वो मॉल्टन रॉक को क्या नाम दिया गया है? मैग्मा. सो इट इज एट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बीच में है वो. जैसे कि अगर हमारा ये अर्थ है तो उसके सेंटर में क्या है? मॉल्टन रॉक है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ द फायर बॉल. Many gases in the interior of the earth rise up with the pressure and the heat. अब जो अर्थ के अंदर का जो प्रेशर है ना,
जैसे कि हमारे अर्थ के नीचे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि गैसेस है, फिर हम बोल सकते हैं दैट गोल्ड सिल्वर, ये जो सारे थिंग्स हमको अंदर से निकलती है, उनका भी अंदर से प्रेशर होता है, मतलब अंदर भी गर्मी है, तो उस गर्मी के कारण जो अंदर के सब्सटेंस है वो बाहर आने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं. सो वी कैन से दैट मेनी गैसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज अप विद द प्रेशर एंड हीट. मतलब उसके अंदर जो गैसियस है या कोई मेटल है या कोई भी चीज है, वो क्या करते हैं, ऊपर आने के लिए क्या करते हैं, वो राइज होते हैं, मतलब ऊपर आने की कोशिश करते हैं विद प्रेशर एंड द हीट. मतलब वो ऊपर की तरफ प्रेशर करते हैं और अपने हीट के कारण क्या करते हैं, कोशिश ऊपर आने की कोशिश करते हैं. बट प्रेजेंस ऑफ द रॉक ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग. मतलब हमारा जो लिथोस्फियर है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे ऊपर आने देता नहीं है. अंदर से भले प्रेशर है लेकिन हमारा लिथोस्फीयर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर की लेयर बनती है, तो उसके कारण वो जो नीचे से प्रेशर आता है तो ऊपर भी उतना ही प्रेशर है. मतलब वो दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. उसके कारण वो जो अर्थ के ऊपर जो इंटीरियर गैसेस है जो बाहर आने की कोशिश करते हैं उसको कौन रोक लेता है, तो हमारा लिथोस्फीयर रोक लेता है. Thus the balance between the two is maintained. दोनों के बीच में बैलेंस हो गया, वो भले नीचे से ऊपर आने की कोशिश करे लेकिन लिथोस्फीयर के वो भी उतना ही स्ट्रांग है और वो भी उतना ही प्रेशर करता है, इसलिए दोनों तरफ का बैलेंस क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है. When the balance is not maintained, crust break and the volcano erupt. अब जब ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा दैट ये जो 64 टू 100 किलोमीटर है वो हर जगह सेम नहीं होती है. तो जहां पे ये लेयर थिक नहीं है, मतलब लेयर इतनी मोटी नहीं है कि वो जो नीचे का प्रेशर है उसे वो अब्सॉर्ब कर सके, उसे वो रोक सके, जब बैलेंस इन दोनों के बीच का सेम नहीं होता है, मतलब जब हमारे लिथोस्फीयर की जो लेयर है वो थिन होती है और वो जो नीचे से प्रेशर आ रहा है उसे रोक नहीं सकता है, तब क्या होता है, द क्रस्ट ब्रेक. मतलब जो लिथोस्फीयर ने लेयर बनाई है वो टूट जाएगी एंड वोल्केनो इरप्ट, और बाहर क्या आता है, वोल्केनो आता है. मतलब जहां पे भी वोल्केनो हुआ है उसकी वजह क्या है कि उसका जो लिथोस्फीयर है उसकी थिकनेस क्या है, कम है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो प्रेशर है वो उसको नहीं झेल सकता है. कौन, तो लिथोस्फीयर. जब नीचे का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और लिथोस्फीयर की थिकनेस जब कम होती है, तब हमारी जो अर्थ की जमीन है वो फट जाती है और वोल्केनो इरप्ट, मतलब वोल्केनो बाहर आ जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिथोस्फीयर. अब आप खुद भी समझ सकते हो कि भाई वोल्केनो क्यों होता है, राइट? तो भाई थिकनेस नहीं होती अर्थ की, इसलिए वोल्केनो बाहर आ जाता है. फिर अनदर थिंग इज की लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो जैसे कि हमारे डेजर्ट्स है, हमारे जो फॉरेस्ट है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, वैली है, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अवर लिथोस्फीयर. सो स्टूडेंट, टुडे वी कंप्लीटेड द लिथोस्फीयर. थैंक यू.